इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव से संबंधित एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया। बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और एक देश एक चुनाव को अब मंजूरी दे दी गई है। पूरे देश में अब एक बार और एक साथ ही चुनाव होंगे। बता दें काफी टाइम से इसकी मंजूरी मांगनी जा रही थी, प्रस्ताव जारी किए गए थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूरे देश में अब एक साथ और एक ही बार में चुनाव कराए जाएंगे। मोदी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है, कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें अब एक देश एक चुनाव के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में ये मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कहा कि अब एक देश एक चुनाव होगा, पूरे देश में अब एक साथ चुनाव होंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां चुनाव संबंधित ये बड़ी अपडेट, जहां इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत समय से मांग चल रही थी एक देश एक चुनाव, मोदी सरकार काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब उसको मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में बताइए। राजेश आवाज आ रही है आपको? जी राजेश बताइए, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को फाइनली आज मंजूरी मिल गई है, ये बहुत बड़ी खबर है देश के लिए। भाजपा काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रही थी और फाइनली आज इसको मंजूरी दे दी गई है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में। अगर देखिए, अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो जिस तरीके से मोदी कैबिनेट लगातार इसकी मांग कर रही थी और आज वो मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में आज इसको मंजूरी मिल गई। लेकिन वही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ था, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग करता था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। ऐसी बात है कि इसको लेकर विपक्ष जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वही आपको बताएं कि अभी ये मंत्रिमंडल में मंजूरी मिली है, लेकिन अभी इस जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है अभी पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में लोकसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाएगा, तब इसके बाद इस पे राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, तब जाकर इस बिल को पास किया जाएगा। जी, लेकिन अभी अगर मोदी कैबिनेट की माने तो वहाँ से इस प्रस्ताव को मंजूरी तो फिलहाल मिल गई है। बिल्कुल, वहाँ से इसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी अभी आगे भी इसको मंजूरी मिलना बाकी है वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इसके खिलाफ है, मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो पाएगा। लेकिन राजेश, लेकिन जहाँ पे विपक्ष वन नेशन एक वन इलेक्शन के खिलाफ था, वहीं जब आप पार्टी की बात आती है तो आप पार्टी कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी चल रही है आप पार्टी के अंदर, उनका भी ये मानना था कि जो प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, हम भी उसके पक्ष में हैं और वो भी चाहते थे ये कि आने वाले समय में ये जो हरियाणा चुनाव होने वाले थे उसी वक्त सारे चुनाव कराए जाए। देखिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में आज भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन लगातार इसके वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष बिल्कुल खिलाफ था और आज भी जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली है, तो विपक्ष इसका विरोध करेगा और जाहिर सी बात है कि विरोध करने के बाद अभी भी इस पे तीन स्टेप बाकी है इस बिल को पास
पास कराने के लिए, क्योंकि अभी मोदी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, अभी इसकी चर्चा होगी पार्लियामेंट में, वहाँ पार्लियामेंट में पास होगा, उसके बाद फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद इस पे मुहर लगेगी, अंतिम मुहर। राजेश, तो क्या लगता है कि आज जो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, लेकिन अभी इसकी राह इतनी आसान नहीं है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, अभी इसकी राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसके खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन के, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग करता था कि अगर सरकार, मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन अगर करना चाहती है तो मोदी सरकार ये भी करे कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में वन नेशन वन एजुकेशन भी करे। आखिर विपक्ष जो इसके खिलाफ है, क्यों विपक्ष क्यों नहीं चाहता वन नेशन वन इलेक्शन हो? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सही भी है पूरी तरीके से कि एक साथ पूरे देश में इलेक्शन हो और उसके नतीजे आए, तो फिर क्यों विपक्ष इसके खिलाफ है? देखिए, विपक्ष का मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा देश में तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान, इराक और तमाम इस्लामिक देशों में कट्टरपंथी है और तानाशाही है, तो उसी तरीके से इंडिया में भी तानाशाही हो जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी को रोकने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र का शासन रहे, इसी को रोकने के लिए विपक्ष जो है लगातार वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। जी राजेश, तो क्या ये आज जो प्रस्ताव को मंजूर दिया गया है, इसके बाद भाजपा को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि काफी जगहों से इसको मंजूरी मिलना अभी बाकी है? बिल्कुल, बीजेपी को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों सदनों में बिल पास नहीं होता है और जब तक दोनों सदनों में बिल नहीं पास होगा, तब तक इस पे राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगेगी, और जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगेगी तब तक इसको कानून का अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता। जाहिर सी बात है, कभी लंबा इंतजार है, बीजेपी को लंबा इंतजार करना होगा। राजेश, क्या लगता है, लेकिन विपक्ष इस चीज को, क्योंकि मोदी कैबिनेट से तो अब ये प्रस्ताव पारित हो गया है, अब इसको दोनों सदनों में भी वो ले जाएंगे और भाजपा पूरी कोशिश करेगा कि इसे मंजूरी मिल जाए, लेकिन इसके रोकने के लिए अब विपक्ष किस तरीके के कदम उठाएगा? बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरीके से चाहेगी कि अब इस बिल को मंजूरी मिले, लेकिन वही अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी बड़ी भूमिका में इस बार है, और बिना विपक्ष की सहमति से बिल को पास नहीं कराया जा सकता। जी। तो जाहिर सी बात है कि बिल अभी पास होना बहुत नामुमकिन है, लेकिन यह है कि जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहाँ एक देश एक चुनाव को आज मंजूरी मिल गई। वही दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अब मंजूर कर लिया गया है, मोदी कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी मिल गई है, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रामनाथ कोविंद की कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की तरफ से आज मंजूरी मिल गई है। ये पहला कदम सफल हुआ भाजपा का, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, एक बहुत बड़ी खबर है भाजपा के लिए कि मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन के, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, आज ये जो कैबिनेट से फैसला आया हुआ है, निश्चित तौर पर आज हर देशवासी के लिए बहुत उत्साह का ये माहौल है। आज एक बार फिर से देश में दीपावली का महोत्सव मनाना जाना चाहिए, क्योंकि जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये प्रस्ताव था, ये इतने दिनों से लंबित पड़ा हुआ था, और निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि इस प्रस्ताव के आने के बाद में देश की एकता और अखंडता जो है वो और अच्छी होगी, क्योंकि और भी जो जैसे मान लीजिए कि जगह जगह अलग अलग इलेक्शन होते थे, अलग अलग समय पर होते थे, तो निश्चित तौर पर देश की जो भी मशीनरी थी उसको बहुत मुश्किल होती थी, और देश का पैसा बहुत लगता था, समय यहाँ खराब होता था, और जगह जगह अलग अलग चुनाव होने की वजह से। लेकिन आशीष जी, अभी जब शीतकालीन सत्र आएगा उसमें ये बिल दिया जाएगा, उसमें पारित होगा तब मंजूरी मिलेगी ना, अभी तो सिर्फ कैबिनेट की तरफ से मंजूर दिया गया है, अभी तो दोनों सदनों से मंजूरी मिलना बाकी ही है। नहीं, देखिए प्रक्रिया, ये पहला चरण जो है ये आज पूरा कर लिया गया है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी खबर है, और ये उत्साह ये बनाने वाली खबर है,
और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर पहले यहाँ से हो गया है, सदन से मंजूरी मिल गई है, तो निश्चित तौर पर आगे भी प्रक्रिया इतनी ही होगी। लेकिन आशीष जी, विपक्ष लगातार इसके खिलाफ है, विपक्ष नहीं चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिले, तो क्या लगता है आपको कि ये राह आसान होगी दोनों सदनों से बिल पारित करने के लिए, क्योंकि विपक्ष भी तो इसके लिए कदम उठाएगा ना कि पारित ना हो पाए। देखिए, विपक्ष में कुछ जो जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष में भी नेतागण हैं वो आप मान लीजिए उसमें विपक्ष में आधे से ज्यादा जो नेता हैं वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो जब ये वोटिंग होगी तो आप देखेंगे कि विपक्ष का भी बहुत ज्यादा जो मतदान है वो इसके पक्ष में आएगा। जी आशीष जी, आखिर क्या फायदा रहेगा इससे कि आपका कहना है कि विपक्ष भी इसके पक्ष में आ सकता है, तो क्यों, क्या फायदा है इसका? देखिए, हर तरीके से फायदा ही फायदा है। अभी आप ये देखिए कि जिस तरीके से अलग अलग जब चुनाव होते हैं तो देश की जो मशीनरी है वो चुनाव को संपन्न कराने में लग जाती है, जिससे कहीं ना कहीं देश का जो विकास है वो पीछे हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बहुत वो हो जाती है, देश का पैसा बार बार चुनाव में लगाया जाता है, तो ऐसी कई ऐसी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं मान लीजिए कि देश में जो चुनाव होंगे, जो विपक्ष एक है जो हर बार ये बोलता है कि चुनाव निष्पक्ष पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको भी इस बात को साबित करने में बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा। और ये आशीष जी, अरविंद केजरीवाल का कहना था कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसी वक्त दिल्ली के चुनाव भी किए जाएं, क्योंकि ये भाजपा का ही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिलेगा इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी पार्टी है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके जो नेता हैं वो जेल में। लेकिन वो भी तो ये मांग कर रहे थे ना कि जो नवंबर में चुनाव होने हैं तो सारे चुनाव नवंबर में ही कर लिए जाएं। नहीं, फरवरी की जगह क्या होता है, ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टियों की मांगे हम वैसे ही नहीं मांगते, कोई नहीं मानेगा, और वो तो कुछ भी कहेंगे तो क्या मतलब, भ्रष्टाचारी चोर पार्टी के लोगों से तो हमें कुछ बात भी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए वो कितना भ्रष्टाचार करके, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करके बताइए जेल में बंद था, तो उनकी मांगों का क्या लेना देना, वो तो अपने हिसाब से। और देखिए, अभी उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कल, कितने चालाक लोग हैं, कितना दिमाग चलाते हैं, तो वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, इलेक्शन की बात, जो वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो एक तरफ जो विपक्ष इसके विरोध में है तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी तो पक्ष में दिखता नजर आ रहा है ना, क्योंकि उनका भी कहना है कि जो भाजपा मांग कर रही है, जो प्रधानमंत्री मांग कर रहे हैं वो सही है और वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि विपक्ष के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इस मांग के पक्ष में रहेंगे। जी ठीक है ना, तो इसमें आप ये मान लीजिए जो मैंने कहा है वो आप खुद उस चीज को तस्दीक कर रहे हैं। जी आशीष जी, क्या लगता है दोनों सदनों में ये जो बिल पारित होगा उसको मंजूरी मिल जाएगी, कितनी राह आसान रहेगी इसकी? बिल्कुल राह आसान, जबकि विपक्ष तो पूरी कोशिश करेगा, कि मंजूरी ना मिल सके। नहीं, मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और इसी कार्यकाल में ये लागू भी हो जाएगा, ठीक है ना, और किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होता है, यहाँ पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं, तो उस व्यवस्था में जो चीज होनी होगी वो हो जाएगी, किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता है। जी आशीष जी, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल मिल गई है। बिल्कुल, और खुशी मनानी चाहिए भारत देश को, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और मना रहा है भारत, क्योंकि इससे बहुत चीजें जो है उस पर फर्क पड़ रहा है, खर्चे कम हो जाएंगे, मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, बच्चों की पढ़ाई जो दिक्कत होती है, और उसके बाद देश का जाने कितना पैसा इसमें लग जाता है चुनाव को कराने में, कितनी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको, और बार बार जो झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां होती, मतलब कई चीजों में इसमें फर्क पड़ेगा, वन टाइम में ही सब कुछ हो जाएगा। जी जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को आज मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दे दी गई है, पहली चरण, बता दें कि पहली सीढ़ी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पार कर लिया गया है। फिलहाल दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अभी बाकी है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा।
श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। बता दें बांदा में ये भीषण हादसा हुआ जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भीषण था जिसमें 15 लोग घायल हैं। गणेश विसर्जन करके वापस लौट रहे थे श्रद्धालु जिस वक्त ये हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक को मौके से फरार हो गया। बता दें इस हादसे में 15 लोग घायल हैं। पुलिस और इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तेज रफ्तार का कहर बांदा में देखने को मिला जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। बता दें कि गणेश विसर्जन से लौट रहे थे श्रद्धालु जिस वक्त ये हादसा हुआ। गणेश विसर्जन से लौटते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ये भीषण हादसा हुआ जिसमें 15 लोग घायल हो गए।